हे गाइस वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस जो आज का वीडियो है वो एक कंपैरिजन वीडियो है दुबई वर्सेस मुंबई। मैं बॉम्बे कहने लगा था लेकिन मुंबई। अब मुंबई बॉम्बे, लेकिन काफी टाइम से मुंबई चल रहा है। और वीडियो से इन दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे और दोनों का एक्सप्लोर भी करेंगे। देखेंगे कौन सी, मतलब दोनों ही बहुत मेन है। हाँ। बहुत ही डेवलप है सिटीज, आप देखते हैं कौन सा ज्यादा आगे होता है। और काफी लोग ऐसा दुबई के अंदर सिर्फ एक बुर्ज खलीफा ही है, नहीं इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वीडियो देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज अगर आपसे दुनिया के कुछ बेहतरीन सिटीज के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में मुंबई और दुबई का नाम जरूर आएगा। इसीलिए आज हम एक्सप्लोर और कंपेयर करेंगे दुनिया के दो शानदार शहरों को। भले ही ये दोनों सिटीज किसी भी देश की राजधानी नहीं है, लेकिन आज के दिन दुनिया की फेमस सिटीज की बात हो तो दुबई और मुंबई का नाम उस लिस्ट में जरूर शामिल होगा। फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना चुकी ये दोनों सिटीज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ही पता है कि दुबई शहर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई नामक देश के 7 एमिरेट्स में से एक है और अपने हाई राइज बिल्डिंग और लग्जरी लाइफ की वजह से दुबई का नाम इतना मशहूर हो चुका है कि यूएई देश से भी ज्यादा दुनिया में लोग दुबई के नाम को जानते बुर्ज खलीफा से। वहीं मुंबई को अपने बॉलीवुड की वजह से सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा इन दोनों सिटीज का कंपैरिजन। और सबसे पहले बात करते हैं दोनों सिटीज के एरिया की। तो यूएई के 7 एमिरेट्स में से एक दुबई का टोटल एरिया 4114 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। वहीं भारत के महाराष्ट्र स्टेट की राजधानी मुंबई मेगा सिटी का एरिया लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एरिया लगभग 4455 स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे एरिया को कंपेयर करने के बाद आपको लग रहा होगा कि दोनों शहरों की जीडीपी भी लगभग सेम ही होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बात करें दुबई शहर की जीडीपी की तो दुबई की जीडीपी लगभग 110 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। वहीं मुंबई शहर की जीडीपी लगभग 277 बिलियन डॉलर के करीब है। अब ये काफी शॉकिंग था। आपके मन में ख्याल आएगा कि दुबई शहर इतना डेवलप होने के बाद भी जीडीपी के मामले में मुंबई शहर से पीछे कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा था दुबई का होगा। पॉपुलेशन, जी हाँ, जहाँ दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 35 लाख के करीब है, जिसमें करीब 40% पॉपुलेशन भारतीय ही हैं, वहीं 2,64,00,000 लोगों के साथ मुंबई भारत का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर है। इसी वजह से दुबई और मुंबई शहर के लिविंग स्टैंडर्ड्स में काफी फर्क है, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं दुबई में मुंबई के कंपैरिजन में सिर्फ 8% लोग ही रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुंबई शहर में बिलियनियर्स की कमी है, क्योंकि दुबई के 13 बिलियनियर्स के मुकाबले मुंबई में कुल 72 बिलियनियर्स रहते हैं, जिसमें एक नाम मुकेश अंबानी का भी है, जो मुंबई में ही दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं। लेकिन अमीरी में दुबई का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस शहर में आपको हर वो चीज मिलेगी जिसके बारे में हम सिर्फ सोच ही पाते हैं, चाहे फिर बात हो दुनिया के इकलौते 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब की, या मैनमेड आइलैंड पाम जमूरा की, या दुबई एक्वेरियम, अंडर वाटर जू, आयन दुबई और म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को देखकर लगता है कि हम किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी में हैं। बिल्कुल। वहीं मुंबई भी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक स्काईस्क्रेपर्स के साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के साथ अपनी पुरानी विरासत को संजोए यूं ही सपनों का शहर नहीं कहा जाता। जहां दुबई 828 मीटर हाइट वाली दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के अलावा 240 स्काईस्क्रेपर्स के साथ दुनिया के टॉप 4 शहरों में शामिल है, तो 240 300 मीटर ऊंची पैलेसेस रॉयल के अलावा 200 स्काईस्क्रेपर्स के साथ मुंबई भी इस मामले में ज्यादा पीछे नहीं है।
वहीं बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो दुबई में मेट्रो बस कैब्स होने के बावजूद ज्यादातर लोग पर्सनल कार ही यूज करते हैं क्योंकि दुबई में पेट्रोल और पानी के प्राइस लगभग सेम हैं। वहीं मुंबई में पेट्रोल प्राइस और ट्रैफिक के कारण लोग लोकल ट्रेन्स और मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कौन सा शहर ज्यादा अच्छा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने शहर का वीडियो चैनल पे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस ये था वीडियो, मजा आ गया वीडियो देख के, कैसा लगा? और मुझे लग रहा था कि दुबई जीतेगा। दोनों मतलब सीट्स में एक खास है कि इधर आप जाके अपनी किस्मत चमका सकते हैं, सबसे मेन चीज ये है। और मुंबई हो या दुबई हो, जितना भी इन्वेस्टर होता है उनकी नजर इन दोनों पे जरूर होती है। यार अगर इधर आएंगे तो हमारी कंपनी वो चल सकती है। दोनों स्टेट्स में बिलियनर्स बहुत ज्यादा है ये तो मानना ही पड़ेगा। और 40% इंडियंस दुबई में, ये भी शॉकिंग था। ये तो मुझे पता है, मेरे लिए शॉकिंग। आईटी के बहुत ज्यादा लोग दुबई में बैठे हुए हैं, जो दुबई के सब कैरो चला रहे हैं वही है। और अभी भी वैसे भी इंडिया ने लास्ट टाइम, और दुबई ने लास्ट टाइम काफी इंडियंस को ना वो गोल्डन वीजा दिया था कि इंडियंस के जो टीचर है, इंडियंस जो डॉक्टर्स है वो दुबई में आए, हमारा गोल्डन वीजा ले और हमारी कंट्री में रहे। तो यानी अगर एक पॉइंट है दुबई के पास और लेकिन दूसरा पॉइंट फिर मुंबई के पास भी है, यानी कि उधर का बुर्ज खलीफा है और इधर का इंटेलिया उनका हाउस है, अंबानी का हाउस है। दोनों अगर उस दिन लास्ट, अभी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे तो ये लग रहा था कि दुबई विन कर जाएगा एक तरफ से। तुमने देखा नहीं था मुंबई की, मैंने काफी ऐसी वीडियोस देखी ना, मतलब आपको जो बिल्डिंग्स नीचे से आप देखो ना ऐसा लगता है यार न्यूयॉर्क की है। नाइट व्यू आप देख, इंडिया के लिए न्यूयॉर्क है ये मुंबई उनका। हाँ गाइस, ओवरऑल ये वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।